अबे पागल है क्या? शादी करोगे सुपरमैन? पूरा फोन तोड़ दिया भाई। हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सब? तो गाइस आज की थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो भाई बहुत ही तगड़ा प्रैंक करा है मैंने चौको के ऊपर भाई साहब, बस वीडियो लास्ट तक देखना तुम, और लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पे कर लेना भाई। आप वीडियो देखो, आपको मजा आएगा वीडियो में। मैं तेरे को ना क्लियर क्लियर बात करता हूँ, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, ठीक है? मैं बिल्कुल क्लियर क्लियर बोल रहा हूँ तेरे को। अब जैसे तू बोल रही है कि कई कई दिनों बाद मिल रहे हैं, एक चीज सोच, थोड़ सोच कि अगर 23 तारीख के बाद हम कभी मिले ही ना तो आप निगाह रहे हो, फिर भी निगाह रहे हो, फिर भी पूछ रहा हूँ, आर यू गोइंग समवेयर? मेरी बात सुने चौको, मैं तेरे को हर्ट नहीं करना चाहता ना, मैं स्किलर के लिए बोल रहा हूँ, मैं कभी बिल्कुल घुमा के बात नहीं कर रहा, ठीक है? पापा ने ना मेरी शादी फिक्स कर दी है और मैं लिटरली बोल रहा हूँ, कार्ड भी छप चुके हैं भाई साहब, मैं बिल्कुल भी घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा ना, मैं चाहता कि तुझे कहीं और से पता चले, इसलिए मैं खुद ये चीज़ों को बता रहा हूँ और बिना किसी उस चीज़ के, ठीक है? और मैं कार्ड भी लेके आया हूँ, मैं भाई मैं सीरियसली मैं तेरे को दिखा सकता हूँ, ये देख भाई मैं कार्ड भी लेके आया हूँ, ये देख, सिद्धार्थ वैट्स अंजलि। मजाक चल रहा है? ये मजाक नहीं चल रहा, मैं यही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता था तू अभी तक खुश होके आई है एकदम, और तू ये देख के क्या ही सोचेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू कहीं और से पता चले। अब मैं क्या करूँ बताना यार, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा, मैंने इतना घर वालों को इतना बोला कि यार मैं नहीं करूँगा शादी, मैं नहीं करूँगा, फिर भी ज़बरदस्ती कार्ड छपा दिए, ये बोल रहे कि अब तो कार्ड छप चुके हैं, अब कार्ड बट भी चुके हैं, बता मैं क्या करूँ? तो खुद देखना यार ये सब। वाईटी यार नहीं, रहने दो, इन सब का कोई ना फायदा ही नहीं है अब, ठीक है? आप मेरे को बुलाते हो एक दिन और फिर मेरे को बोल रहे हो कि ये अच्छा कार्ड छप चुके हैं, शादी हो चुकी है, भाई लड़की दिखाई होगी, आपसे पूछा होगा ना, हाँ मेरे को बाद में पता चला लड़की कौन है, मतलब आपसे बिना पूछे, आपको कुछ भी, आपसे बिना पूछे आपको कुछ भी बताए, शादी तय कर दी, कार्ड भी छप के बटवा भी दिए भाई। अच्छा मेरे को पागल समझाओ आपने, मैं क्या पागल बना रहा हूं? हमारे बीच में जो था वो क्या था, सबको पता था ना हमारे बारे में? तो मैंने तो खूब सबको पता था ना हमारे बारे में, तभी तो मैं बोल रहा हूं सबको पता था, तो तभी तो मैं बोल रहा हूं, बताओ और क्या है? तो ये क्या है भाई, ये क्या है यार? ये मेरे को नहीं पता यार, मैंने बहुत समझाया घर वालों को यार, नहीं मान रहे वो, ठीक है? सॉरी टू से बट ये कोई नहीं होता, अपनी मनमानी चलाओ, ठीक है? सबको पता था ना, फिर भी ये सब किया है, ठीक है? आपको बुरा लगेगा बट ये कोई चीज नहीं होती है, ये तो फिर सरासर बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं यार। अब जो है वो है भाई, मैं आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, अब ये तेरे सामने है भाई, मैं मेरे को बार बार नहीं मत दिखाओ प्लीज भाई, जो जो चीज है वो है ना, वो जो, तो जो आपकी मर्जी से, आपकी आपकी मर्जी के बिना हुआ है वो सब, फाड़ क्यों रही है? 2500 रुपए का एक कार्ड बना, वो समझ गई ना, पैसे लग रखे उसमें, आई बात समझ में, मेंटल सी ऐसे ऐसे क्यों फेंक रही है इसको? अब वो शादी होने वाली, तो भाई मैं क्या करूँ बता, अब जो है वो यही है ना, अब जो है तो मैं क्या करूँ, जो चीज़ हो और नहीं होना चाह रही थी वो चीज़ हो चुकी है ना यार, अब ये अंजलि से ही तो करना पड़ेगा ना, अब ये करना पड़ेगा, ये शादी करनी पड़ेगी ना, करना इससे पड़ेगा क्या? अब क्या ही करूँ मैं बताइए, मतलब कर लोगे यार, जब कार छप चुका कर लोगे भाई, सब कुछ खर्चा हुआ है ना, अब मैंने तो बोला था या ना, हाँ हो सकती है, अब क्या यार तुम मार क्यों रही हो भाई, हर चीज में मार धार करनी जरूरी है तुम्हें? अब देखो बता, जब जो था यार, जब जो चीज छप चुकी है तो मैं उसका क्या करूँ बता ना, मेरे साथ जो था वो क्या था? वो प्यार था? नहीं था यार, हर कोई शादी नहीं कर पाता इससे प्यार नहीं बोलते हर कोई, ठीक है? तो मेरे को ये दिखा के बुलाने की जरूरत नहीं थी, मेरे को ना फोन पे बता देते कि ये सब क्या है भाई, ये क्या है ये सब, मेरे को ना ना तो आपकी शादी होगी, क्यों फाड़ कर रही हो उसको? अरे 2500 रुपए का बनवा रखा भाई, क्यों फाड़ रही है इसको? 2500 रुपए दो अपनी यार, क्या है चोको, अब ये फाड़ने से शादी रुक जाएगी? आप किसी और से शादी नहीं करोगे, बस ध्यान रख लेना भाई, कार्ड छप चुके हैं बट चुके हैं, ठीक है ना? मैं लिटरली मैं सुनाई नहीं दिया, अरे तू पागल वागल है क्या चोको यार, थोड़ी सी है, जो चीज हो चुका हो चुका, उसको कैसे नहीं वो कर सकती तू, बता कैसे क्या करेगी? मेरे साथ जो था वो क्या था, मुझे सिर्फ इसका आंसर दे दो, ठीक है? आपके घर वालों, आपके घर में शादी की बात नहीं था भाई, था उसे टाइम पास बोलते हैं, नहीं बोलते उसे टाइम पास बोलते हैं, ठीक है? आपके घर वालों ने शादी की बात कर ली, ठीक है?
सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया ये मुझे, ये बताऊं, एक सेकंड चुप रहो, मुझे ये सब जब तेरे साथ ऐसा होता ना तो तू भी यही करती जैसे मैंने करा, समझ गई ना? मेरे साथ ये नहीं होता, मेरे घर वाले ऐसे नहीं करते, कर सकते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते, सब करते हैं, बाद में कुछ नहीं होता, जब कार बन जाते तो, समझ गई ना? हां ज्यादा मत बोल, समझ में आई था, ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, मैं नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है, यही जो होना था जो वो हो गया, चुप रहो, ठीक है ना, ज्यादा बकवास मत कर, ठीक है ना, अब जो है यही है, तूने जो कार्ड फाड़ा है ना, ये जो 25 रुपए खराब करे एक कार्ड के, इंसान को 25 रुपए की पड़ी है, इस इंसान को ये नहीं पड़ी कि रहने दो, जब नहीं सोचा तो बोल के क्या भाई, मैं तो बोल रहा था खूब, समझ गई ना, बस मेरे को नहीं पता, ठीक है ना, ये सब नहीं होता, मेरे को नहीं पता, ये सब नहीं होता, ठीक है ना, ले मैं तेरे को, मैं, अरे मेरे को नहीं देखनी, मैं देख लड़की की फोटो भी दिखा देता हूँ तेरे को, ये देख, इस लड़की को रखो अपने पास, ना तो आपकी शादी होगी, अबे पागल है क्या, शादी करोगे, समझ में आई, अबे पूरा फोन तोड़ दिया भाई, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपकी शादी किसी से नहीं होगी, इस तू पागल वागल है क्या, फोन की तोड़ रही है, गलती आपकी, ठीक है, करो सब कुछ आप, भुगतूं मैं, शादी करो आप, अरे यार क्या था ये फोन की तोड़, ये जो था ये था, तो फोन की तोड़ रही है, पागल वागल है क्या यार, अब मेरे को लड़की की शादी, सॉरी लड़की की फोटो दिखा रहे हो और मेरे को बोल रहे हो ये लड़की है, आपको दिख रहा है ना, इस टाइम मैंने ये फाड़ा तो वो भी टूटेगा, ये क्या हरकत है, यही हरकत है भाई, आप मेरे सामने ये करोगे तो मैं तू कराएगी उसको, ठीक, वैसे कितना खर्चा है शादी का, एक तो फोन और तोड़ कर रख दिया, शादी की पड़ी अभी भी इस इंसान को नहीं पड़ी हमारी, क्योंकि आपने यार जो चीज हो चुकी है चोको वो मैं नहीं भूल गई, आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं है, हाँ हाँ तू तो बोलेगी यही बोलोगी, अब नहीं तुम किया, कब किया, अब तुम यही बोलोगी, साथ कब दिया, आपने साथ कब दिया, मेरे बात सुन यार, जो चीज है ना वो अपने साथ कब दिया, मेरा जो चीज है ना वही रहेगी, समझ गई ना, अब कुछ नहीं हो सकता, जो कार्ड बच चुके हैं अब, ठीक है ना, हट जा, हमें बेइज्जती नहीं करानी है, मेरा कभी नहीं दिया, समझ में, कभी भी नहीं दिया, पागल वागल हो क्या, जो चीज मैं ये नहीं टाल सकती, ठीक है ना, जो ये चीज हो चुकी है, ठीक है, तो अब बकवास मत कर, ठीक है ना, चल अपने घर निकल, अब आप आ जाइयो 23 तारीख को, मैं कार्ड भिजवा दूंगा तेरे पास, मैं जाओ, मैं कहीं नहीं आ रही समझ में आई मेरे को पता था आपने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, हमेशा टाइम पास किया, वो आज शो भी हो गया, क्या हो गया, जो चीज है वो है ना तेरे साथ, मेरी फीलिंग की आपने केयर की है भाई, कब मेरे लिए कुछ किया है, कब की कुछ किया है, ना हमने कभी कुछ नहीं करा, ना ना हमने कभी कुछ नहीं करा, ठीक है ना, हाँ जुड़वा ले, जब अभी अंजलि के लिए हुआ सब कुछ, ठीक है ना, अब तेरे लिए कुछ नहीं होता था, तो अब तेरे लिए कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो अब इसके इसके लिए होगा, चल अब हमने घर निकल, चल चलो, हाँ दूर रखो मुझे, क्यों रखूं भाई, जो चीज है वो बताऊंगा ना आपको, आपकी अंजलि मुबारक हो, अरे चौको रुक, मेरी कसम है, इधर आ वापस, पूरी बात क्लियर करके जा, ठीक है ना, पूरी बात को ना क्लियर करके जा, ठीक है ना, जो ये बात चल रही है ना, हाथ दूर, ठीक है ना, पहले पूरी जो बात है ना उसको क्लियर कर, दूर रखो मुझे, उसके बाद खुद भी दूर रहो, मैं क्या बोल रहा हूँ, खुद भी दूर रहो, मैं क्या बोल रहा हूँ, रखो, और आप मेरे को कसम देने वाले कोई नहीं होते, तो मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा, मेरा नाम को मुझसे दूर रखो, मेरा नाम, मेरी बात सुने जरा, मेरा नाम अपनी जुबान पर हमेशा रखियो, समझ में आई ना, क्योंकि ये एक प्रैंक था, समझ में आई ना, हाथ दूर, नहीं रख रहा, हाथ दूर, ये एक प्रैंक है, हाथ दूर, और वहां मैंने वीडियो कैमरा लगा रखा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना नाम, मेरा नाम अपनी जुबान पे ही रखियो, समझ में आई, हमेशा के लिए, ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मैंने बता दिया, वहाँ कैमरा लग रहा है, जाकर चेक कर सकती है, और जो ये है ना, ये मैंने भाड़े में बनवा रखा, 75 रुपए का बना है कार्ड, जो तूने फेंक दिया है, अब जो तूने तोड़ा है ना, इसमें कम से कम 2500-3000 रुपए लगेंगे, तूने डिस्प्ले की माँ बहन कर रखी है एकदम, सर मैं जरूरत मत करो, समझ में, अपना प्रैंक अपने पास रखो, ठीक है, आपके लिए हर चीज मजाक है, ठीक है, आपके लिए लोगों की फीलिंग्स से खेलना, यार मेरे को लग रहा था तू ये फाड़ देगी, तो फाड़ देगी, तूने वो भी तोड़ दिया यार, चुप रहो, ये क्यों तोड़ा तूने, चुप रहो, बेटर आपके लिए होगा, अब बस कर, अब दिखा दे, मैंने प्रैंक था वो, समझ में आई ना, ज्यादा मत बन, अब बस, बहुत हो गया, ठीक है ना, यहीं चुपचाप खड़े जा, मेरे कसम यहाँ खड़े हो वापस, ठीक है, सो गाइस तुम्हारे कहने पे क्या है, अब है ना, एक सेकंड खड़ी हो जा, समझ में आई ना, ज्यादा वो मत बन, मन
ठीक है। तो गाइस तुम्हारे कहने पे मैंने इतना तगड़ा भाई नुकसान झेल लिया है, अब तुम्हारे बारी है कि तुम इस वीडियो को लाइक करो और अपना एक फेवरेट सा पार्ट जो भी हो आपका फेवरेट पार्ट उसको कमेंट में कमेंट करो उसको, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे कर दो। अब तगड़ी तगड़ी वीडियो आने वाली है बहुत ज़्यादा और तुम्हारा भाई मचाने वाला बस बिल्कुल ही। तो गाइस ने थोड़ा सा नुकसान कर दिया वो तो मैं सह लूँगा, पर जो ये अंजलि पंजलि थी ये कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसकी जो सीखो ना अपनी डार्लिंग है, अपनी डार्लिंग है मारती रही है, तो हमेशा मारती रही, समझ में आई ना, हमेशा थप्पड़ ही मारते हो, तू ही मारे समझ में आई ना, तू ही मारेगी, ये मेरी वो है जॉन सी है ना। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड मास्क पहन के रखो भाई, एंड अपने घर वालों को भी बोलो और भाई जो आसपास में जो हैं उनको भी बोलो थोड़ा मास्क का ध्यान रखें। तो हम भी इस वीडियो के बाद पहनेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।